हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है और इस चुनाव में कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने विधायक रहते हुए सांसदी का चुनाव लड़ा और जीत भी गए, जिस कारण से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोकने वाली है। मौजूदा 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 1:1 के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी रखेगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर ये सीटें बढ़ती हैं तो उसी अनुपात में कांग्रेस सपा के सामंजस्य से सीट बांटेगी। इस लोकसभा के चुनाव में 14 ऐसी सीटें थी जहां अलग अलग दलों के विधायक चुनाव लड़ रहे थे, उसमें से 9 विधायकों ने जीत दर्ज की है। इसके बाद अब फूलपुर विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, गाजियाबाद, मझुआ विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, मिल्कीपुर, करहल और कटहरी और पुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इन 9 सीटों में जिन सीटों पर सपा के विधायक थे उसको छोड़कर भाजपा के खाते की सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का दावा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एबीपी लाइव से बातचीत में कहा था कि जनता ने हमारे गठबंधन पर मुहर लगवाई है। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी फिलहाल 9 सीटों पर ये चुनाव होना है और अगर सीटें और बढ़ती हैं तो उसी हिसाब से हम सामंजस्य के अनुरूप और सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले हम भाजपा को विधानसभा का सेमीफाइनल आने वाले उपचुनाव में दिखाएंगे। अभी तक करहल से अखिलेश, कटहरी से लालजी वर्मा और मिल्कीपुर से अवधेश के इस्तीफा देने की सूचना है। इसके अलावा विधान परिषद से जितिन प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।